ठंड में गरीब बहू का ब्यूटी पार्लर। उफ, आज तो ठंड बढ़ गई है। बबीता, जल्दी से मेरा मेकअप कर दो। तुम्हें पता है ना मुझे कैसा मेकअप पसंद है। जी मोनिका जी, आपको HD अल्ट्रा मेकअप पसंद है। बबीता, तुम ना अपने मेकअप से बड़े बड़े हाई फाई ब्यूटी पार्लर को भी टक्कर दे सकती हो। तुम एक बड़ा ब्यूटी पार्लर क्यों नहीं खोल लेती। मैडम जी, बड़ा ब्यूटी पार्लर खोलने के लिए पैसे होने भी चाहिए। ये तो भगवान ने मुझ गरीब बहू के हाथों में मेकअप करने का थोड़ा बहुत हुनर दे दिया, जिससे मैं अपने घर का खर्च चला रही हूँ। बबीता ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं थी, जैसे तैसे अक्षर जोड़ जोड़ कर थोड़ा पढ़ लेती थी। 5 साल पहले गोपी से उसकी शादी हुई और कई सारे सपनों के साथ वह ब्याह कर जब अपने ससुराल आई तो उसने देखा, हे भगवान, ये तो झोपड़ी है। हाँ बबीता बहू, इस गरीब खाने में तुम्हारा स्वागत है। बहू, तुम्हें चिंता में देखकर मैं तुम्हारी तकलीफ को जानती हूँ, मगर गोपी अकेला कमाने धमाने वाला है। ऐसे में 2 वक्त की रोटी खाने के बाद कुछ भी नहीं बचता, बस ले दे कर ये झोपड़ी है जहाँ दिन काट रहे हैं। माँ जी, आज से यही मेरा घर, मेरा संसार है, मुझे तो यही रहना है। बबीता ने खुद को अपनी झोपड़ी के ससुराल में ढाल लिया। कुछ महीनों बाद बबीता को बेटी हुई। समय बीतता गया, मगर धीरे धीरे अब गोपी के लिए 2 वक्त की रोटी कमाना भी मुश्किल होने लगा था। ये देख कर बबीता ने कहा, माँ जी, मुझे ब्यूटी पार्लर का थोड़ा बहुत काम आता है। मैं सोच रही हूँ झोपड़ी के आधे में ब्यूटी पार्लर खोल लूं। अभी इनका जरा भी काम धाम नहीं चल रहा। ठीक है बहू, तू खोल ले ब्यूटी पार्लर। थोड़े से सामान के साथ घर के बीच पर्दा डालकर बबीता ने ब्यूटी पार्लर शुरू कर दिया। तभी बिजली गरजने के साथ जोरों की बारिश होने लगती है और देखते ही देखते बर्फ गिरने लगती है, जिससे ठंडी हवाएं गरीब बहू की झोपड़ी ब्यूटी पार्लर में घुसाती है। उफ, बबीता, कितनी ठंड पड़ रही है, प्लीज हीटर चला दो वरना मेरी तो कुल्फी जम जाएगी। बबीता हिचकते हुए कस्टमर की ओर देखकर कहती है, माफ कीजिएगा मोनिका जी, मेरे ब्यूटी पार्लर में हीटर नहीं है। क्या, इतनी ठंड में तुम्हारे ब्यूटी पार्लर में हीटर भी नहीं है? मुझे तुम्हारी 2 कौड़ी के झोपड़ी ब्यूटी पार्लर में आना ही नहीं चाहिए था। कस्टमर गुस्से में बड़बड़ाते हुए ब्यूटी पार्लर से चली जाती है। उसके बाद से बबीता दिन भर ब्यूटी पार्लर में ठंड में बैठी कस्टमर के आने का रास्ता देखती है, जिसके बाद वह ब्यूटी पार्लर बंद कर देती है और 4 साल की चिंकी कहती है, माँ माँ, मुझे भूत लगी है, खाना बना दो। बस अभी बनाती हूँ मेरी गुड़िया। हे भगवान, राशन में तो बस ये थोड़े से चावल ही बचे हैं, इतने से मैं ये सब खा भी नहीं पाएंगे, ना किसी का पेट भरेगा। एक काम करती हूँ, गीला भात बना देती हूँ। उन थोड़े से चावल को बनाकर वह गरीब बहू सास ससुर पति बेटी को खिला देती है। अगले दिन से कड़ाके की सर्दियां पड़ने लगती हैं। वह सारा दिन अपना ब्यूटी पार्लर खोल कर बैठती है, मगर एक भी कस्टमर नहीं आता। अब कई दिन बीत जाते हैं, जिस कारण बबीता चिंता में रहने लगती है। हे भगवान, आज इतने दिनों से कोई भी मेरे ब्यूटी पार्लर में नहीं आया। पिछले साल तक तो शादियों के सीजन में मुझ गरीब बहू के ब्यूटी पार्लर में भीड़ लगी रहती थी। थोड़ी देर और देख लेती हूँ, वरना फिर ब्यूटी पार्लर बंद कर दूंगी। काफी देर इंतजार करने के बाद भी कोई नहीं आता। गोपी खाली हाथ घर लौटता है। अजी, कोई काम मिला क्या? नहीं बबीता, आज भी कोई काम नहीं मिला। ठंड के मारे काम की तो मारा मारी है, जरा भी काम धाम नहीं है। जानी ये ठंड कैसे बीतेगी। हम दोनों तो भूखे भी रह लेंगे, मगर माँ बाऊची बूढ़े है, बिना खाई कैसे होगा। अजी, अब तो बस घर में थोड़ा सा आटे का चोकर ही बच गया है, मैं उसी की रोटी बनाकर सासू माँ और ससुर जी को खाने को दे दूंगी। गरीबी के चलते बबीता चोकर की रोटी बनाकर सास ससुर को देती है। माँ जी, बाऊ जी, ये खा लीजिए, हम दोनों को माफ कर दीजिए, घर में जरा भी राशन पानी नहीं, इसलिए यही बनाना पड़ा। अरे बहू, इस कड़ाके की ठंड में तो ये भी बहुत है। सास ससुर के सो जाने के बाद बबीता अभी भी चिंता में पड़ी सोच रही होती है कि आखिर ऐसा क्या किया जाए कि उसका ब्यूटी पार्लर फिर से चल जाए। हे भगवान,
कोई तो रास्ता दिखा ताकि मुझे गरीब बहू का ब्यूटी पार्लर इस ठंड में चल सके, ताकि मैं अपने बूढ़े सास ससुर अपने परिवार को दो वक्त की रोटी खिला सकूं। अगली सुबह जब बबीता झोपड़ी के बाहर झाड़ू लगाने जाती है तो पूरा आंगन बर्फ की चादर से सफेद हो गया था। लगता है कल रात बर्फ गिरी है तभी ठंड बढ़ गई। अरे ये तो गाय गोबर देकर चली गई। उठाकर अंदर रख देती हूँ, आज के लिए दो चार उपले बन जाएंगे। जैसे ही बबीता गोबर को उठाने लगती है कि तभी, अरे इस बर्फ पर भी ये गोबर कितना गर्म है। अगर मैं गोबर से अपनी झोपड़ी ब्यूटी पार्लर को बाहर से लीप दूं तो अंदर गर्माहट हो सकती है और मेरे कस्टमर फिर से मेरे ब्यूटी पार्लर में आएंगे। मगर मुझे बहुत सारा गोबर इकट्ठा करना होगा। माँ, गोबर जमा करने में मैं भी आपकी मदद करूँगी। चिंकी और बबीता टोकरी लिए सड़क पर गोबर उठाने लगती हैं। ठंड से चारों ओर धुंध छाई हुई थी और बड़ी बर्फबारी भी हो रही थी। उफ, सर्दी के मारे तो रूह सिहर रही है, ठंड से हाथ पांव भी नहीं चल रहे। रूह कपा देने वाली उस ठंड में भी वह गरीब बहू गोबर बीन कर घर लौट कर उसका गाढ़ा घोल बनाकर झोपड़ी को लीप कर नया बोर्ड टांगती है। दो दिन बाद जाकर एक कस्टमर वहां आती है। वह पतली सी साड़ी ओढ़े ठंड से ठिठुर रही थी। मुझ गरीब बहू के गोबर ब्यूटी पार्लर में आपका स्वागत है मैडम जी, कहिए क्या करना है। देखो आज मेरी सगाई है, मगर मैंने जिस ब्यूटी पार्लर वाली को बुक किया था वो दूसरी बुकिंग में बिजी है। बट एक तो तुम्हारा झोपड़ी ब्यूटी पार्लर, ऊपर से तुमने इस पर गोबर से और भद्दा कर दिया है। अंदर हीटर तो होगा? हीटर तो नहीं है मैडम जी, मगर मैं आपको गारंटी दिलाती हूँ अंदर आपको जरा भी ठंड नहीं लगेगी। कस्टमर उस गरीब बहू के गोबर ब्यूटी पार्लर में आती है जहाँ पूरी गर्माहट होती है। बबीता बड़ी बारीकी से कस्टमर का एक एक मेकअप करती है। मैडम जी आपका मेकअप पूरा हो गया। मेकअप देखकर कस्टमर खुश होकर कहती है, ओह वाओ, तुमने तो मेरा कितना अच्छा मेकअप किया है। और तुमने ठीक कहा था, इस गोबर ब्यूटी पार्लर में जरा भी ठंडी नहीं। किसी ने ठीक कहा है, भगवान गरीबी में खास हुनर देकर भेजता है। ये लो तुम्हारे पैसे। उस गरीब बहू के किए गए मेकअप से खुश होकर वह कस्टमर उसे डबल पैसे देती है। मैडम जी मुझे ये ज्यादा पैसे नहीं चाहिए, बस मेरे ब्यूटी पार्लर के बारे में आप जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों को बता सकती हैं बताइएगा, मैं अपनी मेहनत से कमाना चाहती हूँ। ठीक है बबीता, मैं सभी को तुम्हारे ब्यूटी पार्लर के बारे में बताऊंगी। उस कस्टमर की गई मदद से धीरे धीरे उस गरीब बहू के गोबर ब्यूटी पार्लर में कस्टमर मेकअप कराने आने लगते हैं। हेलो, मुझे सानिया ने तुम्हारे इस ब्यूटी पार्लर के बारे में बताया था। आज मेरी मेहंदी है और कल मेरी शादी। अभी मैं तुम्हारे ब्यूटी पार्लर में मैनिक्योर पेडिक्योर फेशियल के लिए आई हूँ। मैडम जी मैनिक्योर पेडिक्योर और फेशियल करने से बढ़िया आप पूरा पैकेज ले लीजिए, वो सस्ते में पड़ेगा। ठीक है वही कर दो। वैसे तुम ब्राइडल मेकअप के लिए क्या लेती हो? अपना गरीब सा गोबर ब्यूटी पार्लर देखकर बबीता थोड़ा सोच कर कहती है। जी 2500 मैडम जी। 2500? अगर ज्यादा लगे तो मैं कम कर दूंगी। मैं जानती हूँ मेरा ब्यूटी पार्लर बाकियों जैसा हाई फाई नहीं, गोबर और झोपड़ी का है। नहीं बबीता, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैंने देखा था तुमने सानिया का बहुत ही प्यारा मेकअप किया था, इसलिए मैं तुम्हें अपने ब्राइडल मेकअप के बदले 10,000 रुपए दूंगी और आने जाने का कन्वेंस भी अलग से। अब तक बबीता ने मेकअप करके 10,000 नहीं कमाए थे। अगले दिन वह कड़ाके की ठंड में पतली पटी पुरानी साड़ी में शादी में आती है और कृति का बहुत ही बढ़िया ब्राइडल मेकअप करती है। कृति का मेकअप देखकर सारी सहेलियां बबीता की तारीफ करती हैं। OMG कृति, इन्होंने तेरा कितना सुंदर मेकअप किया है, मैं तो फैन हो गई। अब तो मैं भी अपना ब्राइडल मेकअप आपसे कराऊंगी। सभी लड़कियां बबीता को अपनी शादी के ब्राइडल मेकअप के लिए बुक कर लेती हैं, जिससे बबीता का गोबर ब्यूटी पार्लर में ठंड में भी भीड़ लगी रहती और पूरी सर्दी सुबह से लेकर रात तक वह गरीब बहू बुकिंग में ही लगी रहती, जिससे अच्छी आमदनी होने के बाद वह अपनी ब्यूटी पार्लर के लिए हीटर भी खरीद लेती है और मेकअप के साथ साथ अब वो मेहंदी भी लगाने लगती है। अगर मेहनत और लगन पूरी हो तो फिर सफलता के रास्ते में चाहे लाख कठिनाइयां भी क्यों ना आए, मेहनत रंग दिखाती जरूर है। रागिनी, रागिनी कहाँ हो तुम, जल्दी से मेरे कमरे में आओ। कीर्ति मैं दूध उबाल रही हूं, 2 मिनट रुक जाओ। मैंने कहा अभी के अभी मेरे कमरे में आओ। आती हो कि नहीं,
कीर्ति के चिल्लाने पर बेचारी रागिनी गैस बंद करके कमरे में आती है। क्या हुआ कीर्ति, क्यों रे काली कलूटी बैंगन लूटी? मुझे ये तो पता था कि तू मेरे गोरे रंग और सुंदरता से जलती है, मगर अब तूने मेरा मेकअप चुराना भी शुरू कर दिया। नहीं बहन, मैंने कोई चोरी नहीं की, कान्हा की कसम। ठीक है ठीक है, मेरा सर फट रहा है, जाकर मेरे लिए एक बढ़िया सी चाय बनाकर ला। थोड़ी देर में रागिनी चाय बनाकर कीर्ति को दे देती है। अभी बताती हूँ इस काली माता को। एक घूंट चाय पीकर कीर्ति बाकी की चाय रागिनी पर फेंक देती है। आह माँ, मेरा हाथ जल गया। क्यों रागिनी, आया स्वाद? गोरी घमंडी कीर्ति की हंसी की गूंज से रागिनी के दिल का पुराना जख्म फिर से ताजा हो जाता है। कीर्ति बेड पर पड़ी फोन पर बातें कर रही होती है, तभी रागिनी आकर कमरे में पोछा लगाने लगती है। चलेंगे तेरे या मेरे घर, टाइम की तू फिकर न कर, कितनों को रखा वेटिंग पे मैंने, कितनों के कॉल को काटा। ब्लेंसियागा, क्या तुम्हें मेरा गाना सुनना इतना पसंद है? ओ हाउ स्वीट शुगर लिप्स, हाउ। ओके बाय। हे रोहन, व्हाट टुडे योर बर्थडे, हैप्पी बर्थडे लव। तभी अपनी बड़ी बहन को कमरे में देखकर कीर्ति फोन काट देती है। रागिनी, तुम मेरे कमरे में क्या कर रही हो? मैं तो बस सफाई करने आई थी, मगर कीर्ति तुम दिन भर लड़कों से बात करती हो, ये ठीक नहीं। अच्छा तो अब तू सिखाएगी मुझे कल्लू क्या ठीक है और क्या ठीक नहीं? ये मेरी लाइफ है, मैं इसे जैसे भी जी, माइंड योर ओन बिजनेस। लड़के घुमाना तो मेरे बाएं हाथ का खेल है, मैं इतनी गोरी सुंदर जो हूं। ये देख, मेरी न्यू बॉयफ्रेंड ने मुझे आईफोन दिया है, मगर तुझ जैसी काली कलूटी का तो कोई बंदा ही नहीं बनेगा। अरे ओ अरोटा, कहाँ है तू? आई माँ। जी माँ। क्यों रे करम जली काम चोर, मैंने तुझे कल कहा था ना मेरी साड़ी धोने को, अभी तक धुली क्यों नहीं? माँ कल घर के कामों से मुझे जरा भी वक्त नहीं मिला, इसीलिए। जाकर अभी के अभी मेरी साड़ी धो, वरना मैं तुझे इतना धोऊंगी कि अस्पताल में पड़ी मिलेगी। रागिनी जल्दी से मोहिनी की साड़ी धोती है और खाना बनाती है। मोहिनी और कीर्ति रागिनी की सौतेली माँ बहने हैं, दोनों ही रागिनी को पसंद नहीं करती हैं। रागिनी बेटी यहाँ आ, आज मैं तुझे अपने हाथों से खाना खिलाऊंगी। ये सुनकर रागिनी की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते हैं और वो बोलती है, खिला दो माँ, आज मुझे अपने हाथों से खाना खिला दो, पता नहीं फिर कभी तुम्हारे हाथों से खाने का मौका मिले ना मिले। तभी मोहिनी जबरदस्ती उस बेचारी के मुंह में खाना ठूसने लगती है। क्यों कर लो, आया स्वाद माँ के हाथों से खाकर। ये सब कुछ धर्मेंद्र से देखा नहीं जाता। बस करो मोहिनी, माना कि तुमने मेरी रागिनी को अपनी कोख से जन्म नहीं दिया, इतने साल बीत गए तुम्हें, मगर आज तक तुम मेरी फूल से बच्ची की माँ नहीं बन पाई। जब देखो तुम दोनों माँ बेटी मेरी बच्ची पर जुल्म करती हो। नहीं बाबा, चुप हो जाइए, माँ को कुछ मत कहिए। देखा मम्मी, आज आके डैडी ने दिखा ही दिया कि हम इनके सौतेले हैं, जरूर इस काली माता ने इनके कान भरे होंगे, इसी ने जहर घोला होगा। रागिनी धर्मेंद्र की पहली पत्नी ममता की बेटी है, जो 4 साल की उम्र में ही रागिनी को छोड़कर चली गई। ऐसे में रागिनी को माँ के प्यार के लिए तरसता देखकर धर्मेंद्र ने मोहिनी से शादी कर ली, मगर धर्मेंद्र की धन संपत्ति देखकर उससे शादी की थी उसने रागिनी को कभी नहीं अपनाया। अब धर्मेंद्र रागिनी के लिए रिश्ते देखने लगता है। शुरुआत में रागिनी के काले रंग के चलते कई रिश्ते कट भी जाते हैं, लेकिन फिर रागिनी का रिश्ता बहुत ही बड़े घर में तय हो जाता है और थोड़े दिन में शादी की हल्दी मेहंदी शुरू हो जाती है, जिस पर मोहिनी धर्मेंद्र से लड़ने लगती है। अरे सारा पैसा अपनी काली बेटी की शादी में ही लुटा दोगे क्या? कल को अपनी बेटी भी तो ब्याहनी है, इतने महंगे जेवर बनवाने की क्या जरूरत थी? एक आधा चांदी का गहना बनवाकर सोने का पानी चढ़ा देते तो भी चल जाता, वैसे भी तुम्हारी काली बेटी के ससुराल वाले इतने अमीर पैसे वाले हैं। मोहिनी, रागिनी मेरी ममता की इकलौती निशानी है, तुमने जिंदगी भर उसे कभी खुशी नहीं दी, न माँ होने का फर्ज निभाया, मगर मैं अपनी बेटी की शादी और विदाई धूमधाम से करूंगा। जितना खर्चा करना है करो, अब मेरा इस शादी से कोई लेना देना नहीं है। ऐसे ही अब शादी का दिन भी आ जाता है। मोहिनी के सौतेलेपन से रागिनी रात भर आंखें भिगोती है और बारात में कीर्ति आयुष को देखकर कहती है, हो एमजी, मेरी काली बहन का देवर तो बड़ा ही स्मार्ट है, इससे शादी हो जाए तो मैं राज करूंगी और मेरी काली बहन बन जाएगी नौकरानी,
और मैं ससुराल में रानी बनकर रहूंगी। कीर्ति अपनी माँ से ये बात करती है। बस इतनी सी बात किट्टू, अब देख कैसे तेरी माँ तेरी शादी तेरी काली कलूटी बहन के मंडप में करवाती है। मोहिनी रागिनी की सास को मक्खन लगाती है। समधन जी देखिए ना रागिनी की शादी क्या हो रही है, मेरी कीर्ति अभी से आधी हुई जा रही है, इसे भी अपने घर की बहू बना लीजिए, मंडप भी है, मौका भी, दस्तूर भी। शारदा शादी के लिए मान जाती है और दोनों बहनें ससुराल आती हैं। वेलकम टू द फैमिली भाभी। आओ बड़ी बहू, पहले तुम गृह प्रवेश करो। उफ कैसा गेंदा फूल ससुराल है, मेरी काली बहन के आगे मैं किसी को दिखाई नहीं दे रही। रागिनी अपने सास ससुर को माँ बाप मान लेती है और बहू होने की जिम्मेदारी को भी निभाती है, जिसके बदले रागिनी के ससुराल वाले उसे बहुत प्यार देते हैं। फिर एक दिन, आयुष मैंने ना मूवी की टिकट्स बुक की हैं, आज घूमने चलें? हाँ कीर्ति क्यों नहीं। फिर कीर्ति रेडी होकर बाहर आती है, तभी कार्तिक बेटा बहू को ठीक से ले जाना। हाँ छोटे हम फिल्म देखने जा रहे हैं। अरे कीर्ति बहू आज का खाना तुम देख लेना। इस पर कीर्ति घमंड दिखाकर कहती है, क्यों मम्मी जी मैं क्यों बनाऊं खाना, ये काली कलूटी मजे से फिल्म देखने जा रही है और मैं रोटियां पकाऊं। कीर्ति भैया भाभी हमसे बड़े हैं। कोई बात नहीं देवर जी, आप दोनों चले जाइए, कार्तिक जी और हम फिर कभी चले जाएंगे। कीर्ति चिढ़कर रागिनी को चांटा मार देती है। बंद कर अपनी ये नौटंकी समझी। कीर्ति की सास उसे बहुत सुनाती है, मगर कीर्ति अकेले में अपनी बहन से नौकर का बर्ताव करती थी। तभी कीर्ति की ननद ज्योति कमरे में आती है। कीर्ति भाभी ये लो, एक्चुअली मैं आपका मेकअप किट यूज करने के लिए ले गई थी। अरे रागिनी भाभी आपका हाथ कैसे जला? वो ननद जी गलती से जल गया। कीर्ति को बचाने के लिए रागिनी झूठ बोल देती है, मगर ज्योति जाकर शारदा को सब कुछ बता देती है। मुझे लगा था कि उस दिन की डांट के बाद कीर्ति बहुत सुधर गई होगी, मगर अब इसकी अकल ठिकाने के लिए थोड़ा सा दिल पत्थर करना होगा ताकि उसे रागिनी बहू का प्यार दिखाई दे जाए। छोटी बहू जल्दी से रसोई में आओ। उफ इस बुढ़िया को बिना चैन नहीं है। जी मम्मी जी। ये कटहल काट कर इसकी सब्जी बनाओ। मम्मी जी मुझे कटहल काटना नहीं आता, ये काम आप रागिनी को दे दीजिए। कीर्ति बहू बड़ी बहू के साथ साथ ये ससुराल तुम्हारा भी है, 6 महीने हो गए हैं तुम्हारी शादी को, मगर अभी तक तुमने चूल्हा चौके में हाथ भी नहीं लगाया, चलो जल्दी करो। कीर्ति सास के डर से कटहल काटने लगती है, इतने में उसका हाथ बुरी तरह कट जाता है। आह माँ खून, बहुत दर्द हो रहा है। तभी कीर्ति को दर्द में देखकर रागिनी दौड़कर फर्स्ट एड बॉक्स ले आती है। कीर्ति घबरा मत, मेरी बहन मैं हूं ना, हे भगवान कितना खून बह गया है, मैं अभी पट्टी कर देती हूँ। रागिनी की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगते हैं, वो कभी आंसू पोंछती तो कभी कीर्ति की पट्टी करती, जिससे कीर्ति उन दिनों को याद करने लगती है जब वह कैसे रागिनी पर अत्याचार करती थी और उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। रागिनी दीदी मुझे माफ कर दो, मैं जिंदगी भर आपको अपने गोरे रंग का घमंड दिखाती रही, आपको कोसती रही, आप पर कितने अत्याचार किए, मगर मेरा जरा सा खून बहता आपसे देखा नहीं गया। बस यही प्यार मैं तुझे दिखाना चाहती थी छोटी बहू। अरे बड़ी बहू जान देती है तुझ पे, इस सगे सौतेले शब्द की दीवार ने जाने कितने घर ढाए हैं, मगर छोटी बहू एक बार अपनी बहन के लिए अपने दिल में प्यार भर कर देख। अरे किस्मत से दोनों बहनों को एक ही ससुराल मिला है, मैं तुम दोनों को ही खुश देखना चाहती हूँ। ये सुनकर दोनों की आंखें छलछला जाती हैं और वह शारदा के पैर छूती हैं। जुग जुग जीती रहो मेरे घर की लक्ष्मियों, ये ससुराल तुम दोनों का है, इस घर को तुम्हें संभालना है। कीर्ति अपने घमंडी बुरे बर्ताव को छोड़कर अपनी बहन के साथ एक ही ससुराल में खुशी खुशी रहने लगती है।